और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बड़गाम से आ रही है, जहां पर सेना ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है और वहां अब भी इस वक्त फायरिंग जारी है। तो बड़गाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। एक घर में आतंकियों के छिपे होने के बाद सुबह इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। बड़गाम और पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी और अब ये जानकारी मिल रही है कि 3 आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। तो सुबह इस ऑपरेशन की शुरुआत और अब इन 3 आतंकियों को मार गिराया गया है जम्मू कश्मीर के बड़गाम में। एक घर में आतंकी छिपे हुए थे, ये जानकारी मिली थी और उसके बाद वहां पर सुरक्षा बलों के साथ ये काफी देर तक मुठभेड़ चलती रही। इसी पर और जानकारी के लिए खालिद हुसैन का इस वक्त हम रुख कर लेते हैं। खालिद, किस तरह से इन 3 आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई और ये कितनी बड़ी कामयाबी इसे कहा जाएगा सुरक्षा बलों के लिए? इन आतंकियों के बैकग्राउंड के बारे में क्या जानकारी? तो ऐसा निशंदी एक बड़ी सफलता है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि ये जैश ए मोहम्मद का ग्रुप बताया जा रहा है और इसमें फॉरेन मिलिटेंट्स 3 थे और एक स्थानीय मिलिटेंट। हालांकि 3 बॉडीज देखी जा रही है, अभी रिट्रीव नहीं की गई है। आशंका ये जताई जा रही है कि वो 3 मिलिटेंट्स जो है उनमें से 2 शायद फॉरनर हैं जिनको मार गिराया गया है। हालांकि बॉडीज अभी रिट्रीव नहीं हुई है, जैसा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बताया है। लेकिन ये ग्रुप जो था काफी देर से एक्टिव था, खासकर सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम के पैराफेरीज में, और जो इनपुट्स थे सुरक्षा बलों के लिए कि ये कहीं पे सुसाइड अटैक कर सकते हैं, क्योंकि एक ग्रुप जो है वो इस इलाके में सक्रिय था और इस फिराक में था कि कहीं बड़ा हमला करे, इसलिए काफी चौकसी बरती जा रही थी पिछले करीबन 17 दिनों से पूरे श्रीनगर और बड़गाम इलाके में, ताकि इनको मौका ना दिया जाए ये कहीं स्ट्राइक कर पाए। इस बात की पुष्टि हो गई है खालिद की ये 3 ही आतंकी थे, अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? अभी भी ऑपरेशन जारी है और जैसा कि इनपुट था कि 3 से 4 मिलिटेंट वहां पे हैं और एक मिलिटेंट अभी हो सकता है जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, फायर फायर चल रही है। लेकिन 3 बॉडीज देखी गई है, यानी 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, इसकी पुष्टि पुलिस और सेना ने भी की है। एक निसंदेही बड़ी सफलता है जो ऑपरेशन ऑल आउट है उसको देखते हुए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो 4 आतंकवादी बताए जा रहे हैं और उनमें से 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और इन आतंकियों का संबंध जैश ए मोहम्मद से।